देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक चाल। वाह वाह, आज तो आप कोई सस्ता सिगरेट लग रहे हैं। शादी से पहले मुझे एक दफा मिले और मुझे कहने लगा, यार देखो की जिंदगी है मेरी, चम्मच नहीं मैंने धोना आंदा। फिर मैं फिर शादी का मशवरा दिता, हुण माशाल्लाह भांडे भी ते नाल कपड़े भी धो लेने। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਜੂਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। यहाँ पर बुलाते अपने आज की मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई, एक्ट्रेस हैं, राइटर हैं और कभी कभी डायरेक्टर भी, मोहतरमा अमर खान। हमारी तरफ से वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एक शेर मैंने लिखा है आपके लिए स्पेशल। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पे, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। हाय 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 हाय। जो मुझे पढ़ा सके कोई नहीं ऐसा स्कूल है, आहा, जो बात करने लगा हूं लगेगी फजूल है। अमर जी अगर आप इतनी बहादुर हैं तो तीन मरतबा कह के दिखाएं, कैसे रुपया मुझे कबूल है। नॉटी शेर आते ही स्टार्ट हो गए, मतलब उन्होंने इब्तदा ही इंतहाई फ्रैंक तरीके से की, उन्होंने कोई ब्रेक नहीं मारी। लेकिन आप यू मोर देन वेलकम कि आप उनको जो मर्जी चाहे कह सकती हैं। नहीं नहीं, मैं कैसे जुर्रत कर सकती हूँ, इतने बड़े हमारे लेजेंड्स। वैसे आई हैव टू से समथिंग। नहीं आप छोड़ें, प्लीज प्लीज प्लीज, आई नो शो मेरे बारे में पूरा होगा, लेकिन मैं इब्तदा किसी और से करना चाहती हूँ। दीज टू इफ्तिखार भाई और कैसर भाई, एक था चढ़दा पंजाब, हाँ जी, एक साडा सी डिगदा पंजाब। अच्छा। जिसमें फिल्म इंडस्ट्री भी डिग गई, हाँ। थिएटर भी डिग गया, फिर जो बेहतरीन गुणी आर्टिस्ट थे वो भी डिग गए, हाँ। लेकिन इतने सालों के बाद जब इनको हम देखते हैं, पूरे पाकिस्तान का जो मान रखा हुआ है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, कमेंडेबल। मेरी दुआ है अल्लाह आप जैसा ज़हन और आप जैसा दिल हमारे होस्ट को भी दे। आप भी झूठे मुंह कह दें, अगली फिल्म में आप ले रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि आपको रोज डील करना पड़े तब मैं आपके जज्बात और एहसास पूछूंगा। और वासे भाई माशाल्लाह हमारी दुआ होती है अब ये फिल्म को लिखें और खुद ही कास्ट हो। आपकी ये दुआ तो फौरन कबूल हो जाती है। नहीं, ये अपने लिए भी दुआएं किया करें। इन्हें मैं अपने ससुराल दिया मिन्नत नहीं की थी, जिन्होंने इन्हें दी की थी। ओए, ओए, मेरा भी कुछ लिखो। कह कह के नजरें लगवाई हैं, कसम से मुझे भी काम नहीं दे रहे वो लोग। भाई मैं तो आज आपके शो में इकरार करके जा रही हूँ कि मैं अपनी अगली फिल्म लिख रही हूँ। अच्छा। और उसमें मैंने खास तौर पर इन दोनों का कैरेक्टर लिखा है। जो आपने बिल्डअप किया था मुझे लगा था कि आप शायद मेरा नाम लेने लगी। अगर आपने इन दोनों को कास्ट करना है तो आप इनको वॉइस नोट भी भेज सकती थी, ये हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की हर गिर जरूरत नहीं थी। मगर अमर साहिबा ये बताइए कि आप अब लिख भी रही हैं या नहीं, या सिर्फ आप ग्लैमरस रोल्स ही कर रही हैं? कहां ग्लैमरस करती हूँ, इतने रोने धोने वाली रोंदी बूथी बनी होती है हमारी टीम। रोने धोने वाले पे भी आप लोग इतना तैयार होकर आते हैं, ये बात नहीं, ऐसे तो ना करें। तमाम जो नए लॉन के जोड़े हैं वो तमाम पाकिस्तानी ड्रामों में हमें नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब ये रोने धोने में सास बहू हो, शौहर जैसा भी हो, आप लोगों के कपड़े बड़े जबरदस्त होते हैं। बड़ी एक्ट्रेसेस का ये मानना है कि रोएं भी तो खूबसूरती तो दिखती है। सो देयर इज ग्लैमर इन देयर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताएं कि ये जो सारा ग्लैमर है और ये जो अब एक्ट्रेस और इसके गिर्द गिर्द का जो पैराफिनेलिया है आपका, इस दरमियान में ये राइटिंग जैसा मासूम काम कब कर पाती हैं आप? ये जब मैं बिल्कुल बेजार हो जाऊं, सेम टाइप के रोल्स जब ऑफर हो, तो फिर कोई ब्रेक लेती हूं कोई चार एक महीने की, और उसमें फिर लिखने चार महीने में लिख देती हैं आप फिल्म? नहीं, फिल्म तो खैर नहीं लिखी जाती, वो तो दो दो साल पुरानी कहानियां पड़ी होती हैं। लेकिन आई थिंक वो एक फोकस स्पैन जरा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया होता है कि कुछ तो निकाल सके उसकी शक्ल इन चार एक महीने में।
ओके, मगर ये तो बड़ा एक अकेले रह के करने वाला काम है, बड़ा बोरिंग काम है, बड़ा एक अजीब सा इंसान कथारसिस, सेल्फ कथारसिस और पता नहीं क्या क्या डिप्रेशन में चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहाँ एक्ट्रेस, तो आपके इर्द गिर्द हर वक्त लोग होते हैं, बाहर निकल रहे हैं लोग, तस्वीरें हैं। जब शूट करते हैं तब तो लोग होते हैं, घर में कौन से लोग होते हैं? मैं तो घर में ज्यादा रहते नहीं ना फिर एक्टर। हाँ ये भी है, वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनको लोग पहचान सके और तस्वीरें खिंचवा सके। हाँ हाँ, मतलब एक आपको पता ही है, जैसे आप राइटर हैं कि फिल्म लिखती हैं जब, तो जो राइटर होता है वो साथ एक्टिंग भी कर रहा होता है। आसिया कहाँ जा रही है? ये बेहतर आइडिया होगा जो लिख रहा हो और गलती से वो साथ उस प्रोजेक्ट में एक्ट भी कर दे, तो वो जो डबल प्रेशर है वो शदीद। ये फिल्म लिख रहे थे दफ्तर में, इन्होंने दीवार में ना ऐसे सर मार दिया डम। मैं क्या कि गीता कहते हीरो ने ये करना है। मेथड एक्टिंग। पहले तो ये कि आसिया वाली फिल्म मैंने नहीं लिखी हुई, मगर आपने तो पूरी फिल्म लिखी हुई है, आप लीड भी कर रही थी, तो आप बेहतर जवाब दे सकती हैं इसका। आपको एक और बात बताऊं, अगर आपके डायरेक्टर अच्छे हो ना तो आधे से ज्यादा बोझ तो वो संभाल लेते हैं। तो मुझे जो कॉम्प्लिकेशन फील हुई वो सबसे ज्यादा ये हुई, मैंने एक रमजान ड्रामा भी लिखा, वो भी बड़ी स्टार स्टडेड कास्ट थी, ईर द हीरो, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि किसी सीन में अगर किसी एक एक्टर के ज्यादा डायलॉग्स है ना, और मैं उस सीन में खुद भी मौजूद हूँ, और बेशक मेरी एक लाइन नहीं, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं होती थी कि मेरी एक लाइन नहीं, ये टेंशन होती थी कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं और किसी की लाइंस कम है और उनके रिएक्शन भी कुछ आ रहे हैं। लाइक रैम्बो भाई तो बोल रहे हैं मेरी लाइन तो काट ले गया ने, देख मेरी लाइन। तो आप ना वो थोड़े से फिर सेट पे जाके थोड़े से जरा, मगर आपने द मस्तम लिखी थी, उसके बाद आपने हीर द हीरो लिखी, हीर द हीरो लिखी, उसके दरमियान में या कुछ आगे पीछे उसके और कुछ लिखा? मैं ज्यादा नहीं लिखती, इसी वजह से नहीं लिखती, यही दो है ना, इतना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर आपके साथ इमरान अशरफ थे। हाँ जी। तो ये क्या आप सोच के लिखती हैं इमरान अशरफ? बिल्कुल नहीं, ये एक वक्त का हसीन सितम कहें या हसीन इत्तेफाक कहें। एक मिनट, पहले फाइनल कर लें कि सितम था या इत्तेफाक था? दोनों थे। इत्तेफाक तो समझ आ गया, सितम कैसे हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने दम मस्तम कर ली ना, तो उसके फौरन बाद शायद जो ये ड्रामा बना रहे थे, उनको लगा कि वो पेयरिंग अच्छी थी हम दोनों की फिल्म। अच्छा। में उन्होंने फिर हमें एक साथ इस ड्रामे में भी कास्ट कर लिया। जी, आपकी जो अम्मी है फरीहा जी, वो एक बहुत क्लासिक एक्ट्रेस है। आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट जब लेती हैं तो उनसे आके डिस्कस करती हैं, गाइडलाइंस लेती हैं उनसे? बहुत देर तक तो उनको ये यकीन भी नहीं था कि मैं एक्टिंग या राइटिंग की तरफ आऊंगी। जरा सीन पूरे थे लेकिन कभी उनसे जाके मैंने इजहार नहीं किया। आई थिंक इवन एज एन एक्टर और राइटर हम बहुत सेपरेट हैं। जैसे आज तक उन्होंने मेरे भी किसी किए हुए काम में एक्ट नहीं किया। उसकी वजह यह है कि वो जो माँ बेटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि हम उसे डिस्कनेक्ट करके उसे प्रोफेशनली कोई अमली जामा आज तक नहीं पहना पाए। तो कभी मशवरा नहीं हुआ।